असलकम वरहल वाला व सलात वसलाम रसोल्ला वालाखल ही अजमैन अम्माबाद हम सब आखिरी सफ़र जनाजा ट्रेनिंग प्रोग्राम के इस एपिसोड को शुरू करते हैं इसमें हम कफ़न कैसे पहनाएं वो देखने वाले हैं एक प्रैक्टिकल तरीके से हमने पिछले एपिसोड में गसल कैसे दें और उसके मुतालिक जो मसाइल हैं वो मसाइल को एक बहुत मख्तर तरीके से देखा कफ़न के तल्ल से हम देखते हैं सही मुस्लिम हदीस है प्यारे नबी फरमाया फलोन उन्न कफन हो बेहतरीन कफन, कफन, तो कफन, कफन पहना है अब ये बेहतरीन किस एतबार से है ने इसे समझाया बेहतरीन इस एतबार से नहीं है कि बहुत ही भारी कपड़ा हो कफन का बहुत ही कॉस्टली कपड़ा हो बहुत से लोग क्या कहते हैं कि कपड़ा कॉस्टली हो तो वो जो मरने वाले हैं वो बड़ाई मारते हैं दूसरे मरने वालों के पास दूसरे मैतों के पास जिनका इंतकाल हुआ उनके पास बड़ाई मारते हैं ये बिल्कुल गलत बात है तो हम देखते हैं अबू बकर ने आयशा रदिलाना को एक चादर दी कहा कि इस चादर के साथ दो और चादरों को मिलाना मुझे वही कफन पहना देना तो आयशा रदिलाना ने कहा इस पर तो ये निशान है ये तो पुरानी है तो अबू बकर ने कहा कि जिंदों का ज़्यादा हक है नए कपड़ों पर तो हम देखते हैं ऐसी भी मिसाल हमारे सामने है लेकिन कफन के ताल्लुक से अहम बात यह है फैसन कफन कफन में अच्छा कफन हो अच्छा कफन कौन सा आपको पता है जो जिस्म को प्रॉपरली ढांपे प्रॉपरली कवर करें तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हम देखते हैं कि इसके अंदर जो मिसाल है हमारे लिए सही बुखारी की हदीस है वो खुद प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी कफन की चादरें पहनाई गई थी यह बहुत मशहूर बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीन चादरें पहनाई गई थी और आयशा रब्दुल्ला बताती हैं सही बुखारी की हदीस है फिन नबी सलम फी सलासतीबीन लई सफीहा नबी सलम को तीन कॉटन की चादरों में कफनाया गया था लई सफी कमीस उसमें कोई कमीज़ नहीं थी ना अमामा था तो हम देखते हैं नबी सल्लासम को तीन चादरों में जो सहाबा ने कफनाया था यह सबसे बेस्ट है लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि खासतौर से जो रेडीमेड सेट आते हैं जनाजे के अंदर और कभी ऐसा लग रहा है कि कोई चादर जैसे कि उतनी थिक नहीं है और अगर तीन पहनाई गई है ऐसे लग रहा है किसी का जिसम बड़ा हो ऐसे लग रहा है कि कोई जिसम ज़ाहिर हो रहा है तो उसके अंदर बासब ज़रूरत अगर इजाफा करना पड़े खसूसी तौर पर औरतों के लिए औरतों के लिए आपको पता होगा मशहूर बात क्या है अबुदाउद में हदीस मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का जब इंतकाल हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पांच चादरें दी लेकिन ये हदीस के तलुक से महादीन हमें बताते हैं कि ये हदीस सनदन जयीफ है तो औरतों के तालुक से ज्यादा मजबूत बात यही मिलती है अल्लाह आलम आपकी जो तहकीक हो जो आपको दलाल की रोशनी में मिले आप उसी पर अमल करिए इस बारे में मेरी तहकीक मुझे यहां तक पहुंचाई है जो हमें अहकाम किताब के मौलिफ ने लिखा है अलबर लिखा कर रिजल औरतें उस मामले में मर्दों की तरह ही है इजा ला दलील अल तफरीक जब तक फर्क की कोई दलील ना हो अब यहां पे मामला क्या है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी हदीस में यह नहीं कहा कि तीन चादरों में कफन पहनाओ हम देखते हैं किसी मौके पर जैसे मुसब बिन उमैर का इंतकाल हुआ था फलम यूजद लहू इल्ला बुर्दा सिर्फ उनकी एक चादर मिली उन्हें एक चादर पहनाई गई वो भी एक चादर इतनी भी काफी नहीं थी कि उनका पूरा जिसम ढपे तो हम देखते हैं कि जब सर को कवर किया जाता तो पांव खुल जाते और पांव को कवर किया जाता ढांपा जाता तो सर खुल जाता

अगर ऐसी कोई जरूरत नहीं है और अक्सर क्या होता है तकरीबन केसेस में ये होता है जब तीन चादरें एक के ऊपर एक होती है तो वो तीनों मिलकर इतनी मोटी तो हो ही जाती है कि जाहिर ना हो तो अगर ऐसे कोई जरूरत नहीं है ना तो ये याद रखना कि सबसे बेहतरीन अमल मोहम्मद सल्लल्लाहु वाला अमल और जो साहबा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पसंद किया वो ये पसंद किया जो उन्होंने कफनाया वो तीन चादरों में कफनाया इसी वजह से तीन हो तो बेहतर है इस बात को मत भूलिएगा तो आइए हम शुरू करते हैं हमारे सामने तीन चादरें हैं और हम ये तीन वाला मॉडल सीखने वाले यहां पर कैसे करना है इंशाल्लाह सबसे पहले तीन चादरों को खोल करके एक के ऊपर एक बिछा दीजिए और उनके नीचे एक इस तरह की लंबी डोरी काट करके अगर ना हो तो काट करके रख दीजिए ये रख करके उसके ऊपर इसकी वजह क्या है मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा उसके ऊपर इस तरह से तीन चादरें खोल दीजिए इसके ऊपर हम इत्र डालेंगे क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इजा अजमरतुम अल मयता फजमरहू सलातन जब मेयत को तुम धुनी दो जो धुनी होती है ना जो ऊद की लकड़ी से जो की जाती है ऊद बखूर वगैरह से तो वो तीन बार दो फजमरहू सलातन तीन बार दो तो तीन बार किस तरह से किया जाता है कि एक बार अंदर की तरफ एक बार बाहर की तरफ और एक बार जस्म के ऊपर आमतौर पर इस तरह से किया जाता है ये प्रैक्टिकल बात है अगर आपको ऐसा लग रहा है आप किसी और तरीके से करना चाहते हैं तो तीन बार करने की हदीस हमें मिलती है तो आप इस इत्र की बॉटल को खोल करके या कोई भी इत्र आपके पास हो घर में तो आप वो इस तरह से मल सकते हैं लगा सकते हैं लगाने के अंदर आम तौर पे थोड़े से जेनरस तौर पर लगाया जाता है मतलब थोड़ी कंजूसी से नहीं लगाया जाता है आम तौर पर ये बॉटल जैसे कि एक तरह से खत्म हो जाए तो ये लगाया हमने इसके बाद ये जो पाउडर जो कब्रिस्तान से आया है और जैसे कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था यह कोई शरीयत से नहीं बात मिलती इसकी प्रैक्टिकल जरूरत यह होती है कि यह पाउडर जिसम को जल्दी गलाने के लिए है ताकि जिसम जल्दी गल जाए और ताकि अगली बॉडी फिर जल्दी उस कब्र में दाखिल की जा सके तो यह पाउडर कुछ लोग कब्र में दफन करने के बाद जो दफन करने से पहले कब्र में डालते हैं सर की जानेब वगैरह जिसम के ऊपर जिसम के निचली तरफ डालते हैं कब्र में लेकिन एक दूसरा तरीका यह है कि इसे पहले ही इसमें डाल दें कुछ हिस्सा कम से कम इसमें पहले ही इसमें डाल दें यह शरीर का मसला नहीं है जैसे कि मैंने आपको बताया तो पाउडर पहले से इसमें बिछा करके रेडी रखते हैं आपको याद होगा कि हमने गुसल दिया है वो गुसुल के टेबल पर उस पर वहां पर वो बॉडी तैयार है जो मैयत वहां पर है उसे गुसल दे चुके हैं उसे सुखा चुके हैं लेकिन मैयत को लाने से पहले हम यहाँ पे कफन को पूरी तरह से रेडी कर रहे हैं हमने इत्र लगाया हमने नीचे वो डोरी भी डाले हैं और हम ऊपर से इस पाउडर को भी डाल दें अगर फैन वगैरह ऑन हो तो उसे ऑफ करिए क्योंकि पाउडर उड़ता है फिर सबकी नाक वगैरह में आएगा मुनासिब नहीं है तो इसे फैन ऑफ करके डाल दीजिए हम लोग बस डेमांसट्रेशन में नहीं डाल रहे हैं हम अज्यूम करते हैं कि आपने कुछ ना कुछ हिस्सा डाल दिया या पूरा हिस्सा डाल दिया आपको जैसे बेहतर लगता है या पूरा हिस्सा आपको कब्र में ही डालना है तो वहां डाल दीजिए जैसा कि हम सब जानते हैं कफन आमतौर पर सफेद होता है

सुनामी जलजला वगैरह में बहुत सारे लोगों का इंतकाल हो और सफेद कपड़ा नहीं मिल रहा है तो हमारे में बात होनी चाहिए कि कोई भी चादर के अंदर कफन पहनाई जा सकती है कोई भी चादर के अंदर तीन होना लाजिम नहीं है दो भी हो तो चलेगा एक भी हो तो चलेगा लेकिन जिसमें अच्छी तरह से कवर हो जाए यह मकसद पूरा हो तो हम देखते हैं कि सफेद बेहतर है लेकिन लाजिम नहीं है अब हम तैयार हैं हम वहां पर गुसल के टेबल पर मैय को गुसल दे चुके हैं अब हम वहां से उस बॉडी को उठा करके इस टेबल पर जहां पे हमने इस कफन को बिछाया है लाएंगे इससे एक बात भी पता चलती पर लाया जाएगा हम मैत को उस टेबल से उठा करके यहां ला चुके हैं इससे पहले हम कफन को बंद करें हमारे लिए जरूरी है कि हम इत्र लगाएं तो इत्र लगाना है हम इससे पहले कहा लगा चुके हैं इत्र

तो सीधी हमें हमारी सीधी साइड देखना है या उनकी सीधी साइड उनकी सीधी, उनकी सीधी साइड तो हम स्टार्ट करते हैं उनकी सीधी कौन सी साइड है ये साइड है ओके okay. तो हम शुरू कर रहे हैं इसे बंद कर दीजिए चादर को अंदर डाल दीजिए कैसे निकालना है मैं बताऊंगा अब दूसरी साइड से उल्टी जानेब से एक चादर लीजिए बस तीन नहीं तीनों एक साथ नहीं बंद करना है एक अब हम बंद कर चुके हैं अब यहां टोटल कितनी चादरें हैं ये टोटल कितनी है चार, चार।, चार हो गई वो एक निकालना है एक। उसे हम यहां से निकालेंगे आप होल्ड करिए पकड़िए तो मैं यहां से खींचकर इस चादर को निकाल रहा हूं इसका काम अभी मुकम्मल हो गया।, हो गया अब कितनी चादरें बची तीन, तीन। अब हम सीधी जानेब बंद कर रहे हैं सीधी जानेब से लीजिए राइट साइड पहले ये हो गई दूसरी चादर फिर लेफ्ट साइड थोड़ा तो सा टाइट करके डाला जाता है फिर राइट साइड और फिर लेफ्ट साइड अब आप बताइए ये हमने तीन चादरें डाली है क्या कोई गुंजाइश लग रही है कि कपड़ा जो किसी तरह से सी थ्रू है बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं क्योंकि बहुत ही अच्छी तरह से कवर हो गया अगर हम अमल करना चाहें और जो सुन्नत है नबी वसल्लम की साबाई खान ने जिस पर अमल किया तो करना बहुत आसान है तो हमने डाले हैं अब ये बांधना भी हमारे लिए आसान है क्योंकि हम पहले से ही रख चुके थे अगर पहले से रखना भूल जाए तो आपको अभी हाथ डाल के रखना पड़ेगा वो भी कर सकते हैं अगर भूल गए तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है इसे आमतौर पर फुल गांठ नहीं हाफ गांठ यानी लेस वाली डेढ़ गांठ उसे वो डेढ़ गांठ लगाई जाती है और यहां से ऊपर और नीचे नीचे तो आप बांध सकते हैं लेकिन चेहरा खुला छोड़ा जाता है कुछ वक्त के लिए इस एतबार से कि कोई देखना चाहता है तो आ करके देख सकता है और कई बार रिश्तेदार वगैरह देखना चाहते हैं इसके ना मैं आपको एक बात बता दूँ कोई कोई मैत का ऐसा मामला होता है उनका चेहरा कभी किसी वजह से काला पड़ जाता है और लोग इसमें उस मैत के तल्लुक से कई बातें बोलना शुरू करते हैं शेख अब्दमिन रहम्ला ने इस बात को रोका उन्होंने कहा कि ये कई बार मेडिकल रीजंस की वजह से हो सकते हैं ब्लड की क्लॉटिंग की वजह से हो सकते हैं कोई एक्सीडेंट इंजरी की वजह से हो सकता है तो ऐसे गुमान करना कि किसी वजह से अगर चेहरे में कोई तरह का कालापन आया है या कोई तरह से बदशक्ल हुआ है एक इंसान तो उससे हम उसके अमाल को कनेक्ट करके उसके बारे में बदगुमानी करें ये बिल्कुल सही बात नहीं है और शायद यही वजह है कि हम देखते हैं कि आमतौर पे चेहरा कवर करके ढाँप करके रखा जाता है तो हमारे यहाँ ये जो एक रिवाज है ना हर कोई आकर देखना चाहता है ज़रूरी नहीं हर कोई देखे आम चीज़ ये है कि आमतौर पे चेहरा कवर्ड हो और कोई ऐसी खास फजीलत नहीं है जैसे कई लोग बोलते हैं कि अभी चेहरा खोलेंगे फिर लाइन लगा करके लोग आते हैं हाँ जो देखना चाहते हैं रिश्तेदार है तो हमें शरीय में इसकी भी दलील मिलती है अब वो बकर्रद्दुल्लाउं आए नबीसम का चेहरा ओपन किया उन्होंने हम देखते हैं कि जाबर रद्द के वालिद अब्दुल्ला उनका इंतकाल हुआ था उन्होंने आकर के उनका चेहरा खोल करके देखा कोई देखना चाहे तो कोई हर्ज नहीं हाँ ये बात का ख्याल रखना है कि ना महरम अगर औरतें हैं तो उनका चेहरा नहीं देखा उनके महरम जो देख सकते थे जीते जी वही देख सकते हैं मरने के बाद भी ना महरम मर्द आकर के उनका चेहरा बिल्कुल नहीं, नहीं देख सकते हैं। तो इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए तो चेहरा हम कब बंद करेंगे जब लोग देख लें तो देखने के बाद हम बंद करेंगे अब एक चीज रह गई है जो मैंने बताया था कि तीन बार इत्र लगाया जाएगा आप बताइए एक बार हमने अंदर लगाया जिसम पे लगाया तो तीसरी बार कहां लगाया जाता है बाहर से तो बाहर से तीसरी बार आप इत्र लगा लें बस यही है तरीका चेहरा देखने के बाद हम ये भी बंद कर लें और ये हो गई कफ़न कितना आसान कोई मुश्किल नहीं हम देखते हैं हमारे माशरे में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं मिसाल के तौर पर लोग कफ़न पर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखते हैं फातिहा अंदर लिखते हैं कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी तख्तियाँ या कैसे कपड़े के टुकड़े आते हैं जिसके ऊपर शजरा होता है जिसके ऊपर कई बार दरूद लिखा होता है कई बार हम देखते हैं कि किसी शख्सियत का नाम लिखा होता है तो वो लिख करके अंदर सीने पर लगाया जाता है डाला जाता है लेकिन हम देखते हैं कि कुरान में और हदीस में कहीं पर इस चीज का जिक्र नहीं है ये लोगों ने अपने तौर पर अपनी अपनी सोच से अपनी अकल से बनाया है ईजाद किया है क्योंकि अगर होता तो कुरान और हदीस में यकीन होता और क्योंकि वहां नहीं है तो पता चल जाता है ये नई चीजें बाद में आई हैं कभी कभार लोग ये करते हैं कि इस कफन को धोकर आते हैं कहीं से कहा से हज करने जाते हैं कफन साथ में लेकर जाते हैं और कहां पे के के आते हैं जमजम जमजम पानी पानी में तो वो के पानी से धोई हुई कफन के ताल्लुक से लोगों में एक गुमान है कि वो कफन में अगर किसी को लपेटा जाए तो शायद बहुत फ़ायदा होगा लेकिन सही बात तो ये है कि फायदा होगा तो हमारे ईमान से होगा हमारे अमल से होगा किसी तरह के कफन के उस तरह की चादर से नहीं होगा कुछ और गलतियां हैं माशरे में जैसे मिसाल के तौर पर कभी छोटे बच्चे का इंतकाल हो तो लोगों में एक बात ये भी है कि छोटे बच्चे को ऐसे कफन में नहीं डाला जाता है उसे नए कपड़े पहना करके उसके अंदर कफन पहनाना चाहिए लेकिन यह बात की कोई दलील नहीं है उसी तरह अगर दूल्हे का इंतकाल हो जाए शादी के वक्त पर तो कहा जाता है दूल्हे को दूल्हे के लिबास के अंदर ही पहना करके उसके ऊपर से कफन पहनाओ उसकी भी कोई दलील नहीं है कुछ लोग काबे की दीवारों पर मल के लाते हैं कफन की चादर को उससे भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि अगर होता तो साहबा इकर आप और मुझसे बहुत आगे होते क्योंकि वो तो नीकियों में हमसे बहुत आगे थे हम अभी आगे के मसले कुछ खसूसी हालात कुछ स्पेशल फर्क आता है मैं उन हालात को आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि आप ये बातों को भी इनशाला याद रखें सबसे पहला हाल यह है कि अगर किसी माँ को प्रेगनेंसी में मिसकैरिज हो जाए और मिसकैरिज के अंदर जो बेबी है जो पैदा नहीं हुई है वो बेबी का इंतकाल हो वो बेबी के ताल्लुक से क्या किया जाएगा तो हम देखते हैं स्कॉलर्स बताते हैं कि उसके अंदर अगर चार महीने से कम की बेबी है या बाबा है या लड़का है लड़की है चार महीने से कम की उम्र है उसकी माँ के पेट के अंदर वाले चार उम्र बाहर वाले नहीं चार महीने से कम है वो बेबी यानी कि फीटस के फॉर्म में होगा वो बेबी चार महीने से जब कम है तो उसके लिए ना गुसल है ना कफन है ना जनाजे की नमाज है उसे किसी भी जगह पर जमीन में दफन कर दिया जाएगा मतलब कब्रिस्तान ले जाकर के दफन करना जरूरी नहीं है लेकिन अगर चार महीने से ज्यादा है हालांकि आमतौर पर शहरों में तो कब्रिस्तान में ही दफन किया जाता है जिसमें कोई हर्ज नहीं है चार महीने से अगर ज्यादा का बेबी है तो उसे गुसल भी दिया जाएगा कफन भी पहनाया जाएगा जनाजे की नमाज भी पढ़ सकते हैं लाजिम नहीं है पढ़ सकते हैं और मुसलमानों के कब्रिस्तान में ले जाकर वहां दफन किया जाएगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वसी तो युसली जो सख्त सख्त मतलब जो मिसकैरिड फीटस है जो फीटस है जो माँ के पेट से निकलता है उसके लिए नमाज पढ़ी जाएगी दूसरी सिचुएशन अगर किसी बच्चे का इंतकाल हो तो उसे भी गसल भी दिया जाएगा कफन भी पहनाया जाएगा उसकी जनाजे की नमाज भी पढ़ सकते हैं लाजिम नहीं है उसकी दलील यह है सुन्न नसाई की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अनसार का एक बच्चा लाया गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी जनाजे की नमाज़ पढ़ी और जनाजे की नमाज पढ़ना फर्ज नहीं है इसकी दलील ये है कि इब्राहिम जो प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे थे उनका जब इंतकाल हुआ था तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी इससे पता चला कि लाजिम और फर्ज नहीं है छोटे बच्चों के लिए इस कायदे में एक तीसरा फर्क यह है, है जब किसी का हालत अहराम में इंतकाल हो हालत अहराम के अंदर जैसा कि मैं बता चुका हूँ सिर्फ दो चादरें होती हैं वो भी अहराम की चादरें ही कफन होती है वो अहराम की चादरों में ही कफनाया जाएगा लेकिन उसके अंदर दो फर्क है पहला फर्क ये है कि अहराम की चादरों में सर नहीं ढापा जाता मतलब कि जिसम पूरी तरह से लपेटा जाता है और सर और चेहरा खुला छोड़ दिया जाता है क्योंकि अहराम के अंदर भी जो अहराम सर पर नहीं ले सकते ना सर खुला रखना होता है तो उसी तरह जब अहराम में कफन भी पहनाया जाता है तो कफन में सर को ढांपा नहीं जाता है कि की चादर में इत्र नहीं लगाया था एक और फर् है, है उनके जख्मों के साथ ही उन्हें दफन कर दिया जाए अमेर बिदफनी की नमाज भी नहीं पढ़ी गई वालम उन्हें गुसल भी नहीं दिया गया शहीद के तलुक से कायदा यह है कि शहीद को गुसल नहीं दिया जाता लेकिन उसके कपड़ों के ऊपर ही चादर कफन पहनाया जाता है जैसे मुसबिन उमेर की मिसाल है या जैसे हमजा रदी अनु की मिसाल है शहीद के लिए उसके कपड़ों के ऊपर ही चादर पहना दी जाती है और जनाजे की नमाज पढ़ना शहीद के लिए कंपल्सरी नहीं है जैसा कि हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल ने हमजा रदी अल्लाह के लिए जनाजे की नमाज पढ़ी और उहूद के बाकी शहीदों में वलम यूसल उनके लिए जनाजी की नमाज नहीं भी पढ़ी तो दोनों पढ़ना और नहीं पढ़ना दोनों मिलता है यानी कि फर्ज और लाजम नहीं है। जैसे कि नॉर्मल लोगों के लिए नॉर्मल लोगों के लिए फर्ज किफाया है, है अला के रसूल का लेकिन इसमें एक बात और वाजे कर दू कि इस्लाम के अंदर शहीद अलग अलग तरह के होते हैं मिसाल के तौर पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो मन माताफी ताउन जो ताउन से मरता है प्लेग से मरता है फहुआ शहीद वो शहीद है वो मन माताफी वतनी जो अपने पेट की बीमारी से मरता है फहुआ शहीद वो भी शहीद है तो हम देखते हैं शहीद की अलग अलग किस्में हैं लेकिन वो जो बाकी सारी किस्में हैं शहीद की उनके अंदर गुसल भी दिया जाएगा कफन भी पहनाया जाएगा जनाजी नमाज भी पढ़ना लाजम और फर्ज किफाया है और दफन भी किया जाएगा जैसे कि नॉर्मल लोगों के साथ किया जाता है इसकी दलील क्या है इसकी दलील ये है कि उमर रदलाउं का मर्डर हुआ था शहर के अंदर ही उसी तरह उस्मान रदी का मर्डर हुआ था शहर के अंदर भी वो भी शहीद थे अली रदलाउं का भी हुआ था वो भी शहीद थे और सबके सब की जनाजे की नमाज पढ़ी गई गुसल दिया गया कफन पहनाया गया इसे पता चला कि ये जो शहर वाले लोगों के लिए या दूसरी वजुहत की वजह से जो लोग मरते हैं उनके लिए मैदान जंग वाले शहीद वाला कायदा नहीं अप्लाई किया जाता है एक आखिरी केस हम देखते हैं वो है एक फासिक शख्स है जैसे मान लो मिसाल के तौर पर कोई शख्स है जिसने सुइसाइड किया है या जैसे मिसाल के तौर पे कोई गुनहगार है कोई गलत काम करने वाला है गुनाह कबीरा करने वाला शख्स है माना हुआ है वैसी चीजों में या मिसाल के तौर पर कोई है जिसने कर्जा छोड़ा है कर्जे के पैसे नहीं छोड़ा है और वो साल में इंतकाल हुआ है तो अल्लाह के रसूल सलम ने ये सारे केसेस में जैसा कि आप हदीस में देख सकते हैं साहबा को कहा सल्लु अला साहिबिकुम तुम लोग अपने साथी की नमाज पढ़ो खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नमाज नहीं पढ़ाई इससे ने यह सद्लाल किया है कि कोई ऐसा शख्स जिसने गुनाह के बड़े काम किया है या कोई ऐसा गुनाह का काम किया है उसका इंतकाल हो और इमाम साहब बहुत नेक इमाम साहब है वो उनकी जनाजे की नमाज पढ़ा रहे हैं तो इसमें लोगों के लिए इबरत नहीं होती है लोगों के लिए इबरत की बात यह है कि जो सबसे नेक सौले बेहतरीन किस्म के लोग हैं वो उनकी नमाज नहीं पढ़ाएंगे वो उनकी नमाज में नहीं शरीक होंगे बाकी दूसरे लोग उनकी नमाज पढ़ा लेंगे तो जो फर्ज तो है फर्ज किफाया जो पूरा किया जाएगा तो हमने कफन तो पहना दिया जब लोग आकर चेहरा देख लेंगे देखने के बाद ये बंद कर दिया जाएगा बंद करके हम ऊपर भी उसी तरह एक रस्सी बांध देंगे जैसा हमने नीचे बांधे हैं या दरम्यान में बांधे हैं वो डोरी बांध करके फिर हम अगले स्टेज की तरफ बढ़ेंगे एक वजह जिस वजह से बहुत सारे लोग जनाजे को गसल देने से दूर रहते हैं वो ये वजह है कि लोग ये समझते हैं कि मैय को गसल देने के बाद खुद गसल लेना लाजिम हो जाता है और इस मसले में आप देखेंगे तो अबू दाऊद में हदीस है जो सही सनत से है प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन मैत जो मैत को गसल दे फल तसल वो खुद गसल मन हम फल और जो मैत को उठाए जो उठाने वाले होते हैं ना हेल्प करते हैं फलियत वो वजू करें तो हम देखते हैं कि इस तल्ल से ने हमें बताया है कि ये जो नबी वसल्लम ने बताया ये मुस्हब के तौर पर है लाजम और फ़र्ज के तौर पर नहीं मुस्तब का मतलब कि करें तो सवाब है करें तो अच्छा है और नहीं करें तो कोई गुनाह नहीं है इसकी दलील मुस्तर खाकिम की एक हदीस है जो सही सनत से है अल्लाह के रसूल महमदी ने फरमाया फिकसल तुम्हारे लिए अपने मैत के गुसल देने की वजह से तुम पर गसल लाजिम नहीं है मई तक सभी नज क्योंकि तुम्हारे मैत नजिस नहीं होते मतलब मैय जो होते हैं वो नापाक और गंदे और नजिस नहीं होते नबी सा ने फरमाया फोम आई दी कोम तुम्हारे लिए यही काफी है कि तुम अपने हाथों को धो लो मतलब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में वजाहत कर दी उस हदीस वाली बात को कि उस हदीस को पढ़कर शायद किसी के जहन में ख्याल आए कि हाँ लाजि है क्योंकि उस हदीस में दिया है लेकिन इस हदीस से बात वाजी हो गई कि हमारे जो मईत होते हैं वो नजस् नहीं होते वो गंदे नापाक जैसे पेशाब पाखाना है वैसे नहीं होते और ये काफ़ी है कि हम अपना हाथ धो लें अगर हम हाथ धो लेते हैं वो भी काफ़ी है हाँ अगर किसी के पास मौका हो तो वो गसल ले ले या जैसे ही मौका मिल जाए बाद में तो वो गुसल ले ले नमाज पढ़ सकते हैं सब काम कर सकते हैं आप हालत जनाबत में नहीं हो गए मैय को गार्ती ने जमा किया है और ये हदीस भी सही सनत से है तो ये मसला इस तलुक से तो वाज है लेकिन एक बात मैं आपको साथ साथ में बता देता हूँ कि अगर आपके पास कुछ प्रोटेक्टिव इस तरह की चीजें हैं जैसे मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि औरतें किचन में जब बर्तन होती हैं तो कई बार एक एप्रन किस्म का होता है ताकि छीटे आते हैं तो छींटे उसके ऊपर आए या मान लीजिए कोई रेनकोट किस्म का हो और अगर वो आप पहनते हैं इस एतबार से कि पानी के छीटे तो उड़ जाते हैं उड़ते हैं कभी लिबास पर आ जाते हैं तो उसके अंदर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा कुछ बांध लोगे तो कोई हर्ज नहीं है ये चीज़ के अंदर इख्तियार है कोई कुरान हदीस वाला मसला नहीं है इस चीज़ के अंदर हम कर सकते हैं अगर जिस तरह से हमने ग्लव्स पहने साथ साथ में अगर आप इस तरह का कोई पहनना चाहते हैं एप्रन या रिंग, कोट या ऐसा कोट या ऐसी कोई चीज़ पहनना चाहते हैं कोई मसला नहीं है उसके अंदर मेरे भाइयों बहनें ये चीज़ में इबरतें हैं ये चीज़ सीख रहे हैं हम ये एक इल्म भी है और ये एक इबरत भी है अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको जिस दिन हम अपनी कफन में जाएँ नेक साल आमाल के साथ निकियों के साथ उस हाल में जाने की तौफीक दे कि अल्लाह ताला के यहाँ हमारे लिए मकबूलियत रहे हमारे लिए इनाम रहे कोई सज़ा ना रहे व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अलहम्दुलिल्लाह इस सीरीज को चांद नूर एंड फैमिली ने अपनी वालिदा नूर जहां बेगम के सदक़े जारिया के लिए स्पॉन्सर किया है आप भी ऐसे वीडियो या सीरीज को स्पॉन्सर करने के लिए कॉल करें नाइन पर